नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं फिल्म्स के बारे में। फर्स्ट इन इंडिया ये प्रेजेंट किया जा रहा है ऑडियंस फोरम के द्वारा, तो आइए देखते हैं। फर्स्ट साइलेंट फुल लेंथ फिल्म राजा हरिश्चंद्र, जो कि 1913 यानी 1913 में बनी थी। फर्स्ट टॉकी फिल्म आलम आरा 1931 में बनी थी। फर्स्ट कलर फिल्म किसान कन्या 1937। फर्स्ट इंटरनेशनल अवार्ड टू एन इंडियन फिल्म ये सीता फिल्म को मिली थी, 1934 में ये फिल्म बनी थी। फर्स्ट इंटरनेशनल अवार्ड टू एन इंडियन डायरेक्टर ये देवाकी बोस को मिला था। फर्स्ट फीमेल डायरेक्टर फातिमा बेगम। फर्स्ट लेडी ऑफ इंडियन सिनेमा किसे कहा जाता है दोस्तों? तो देविका रानी को फर्स्ट लेडी ऑफ इंडियन सिनेमा कहा जाता है। इसके साथ ही देविका रानी को एक और अवार्ड से नवाजा गया है, वो फर्स्ट रिसिपिएंट ऑफ दादा साहेब फाल्के अवार्ड है। फर्स्ट नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट फीचर फिल्म मिला था श्याम जी आई को 1953 में। और दोस्तों, फर्स्ट नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट फीचर फिल्म इन हिंदी मिला था मिर्जा गालिब को 1954 में। इसके डायरेक्टर थे सोहराब मोदी। फर्स्ट 3D फिल्म माई डियर कुट्टी चातन ये 1984 में ये फिल्म बनी थी। फर्स्ट इंडियन फिल्म टू बी नॉमिनेटेड फॉर द एकेडमी अवार्ड फॉर बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म ये बहुत ही फेमस मदर इंडिया 1957 में, जो कि दोस्तों केवल एक वोट से ये रह गई थी अवार्ड जीतने से। फर्स्ट इंडियन टू विन एन एकेडमी अवार्ड ये भानु अथैया हैं, जिन्होंने गांधी फिल्म के कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए अवार्ड जीता था। फर्स्ट इंडियन टू विन एन गोल्डन ग्लोब ए आर रहमान को ये सम्मान प्राप्त है। फर्स्ट इंडियन फिल्म टू फेस अ बैन 1921 में फिल्म बनी भक्त विदुर, ये फिल्म को बैन किया गया था, सबसे पहली ये फिल्म बनी बैन होने वाली। फर्स्ट इंडियन फिल्म टू रिसीव ए सर्टिफिकेट ये हंसते आंसू 1950 में। फर्स्ट एनिमेशन फिल्म टू गेट अ थिएट्रिकल रिलीज ये है 1934 में बनी द पी ब्रदर्स। फर्स्ट इंडियन एनिमेटेड टेलीविजन सीरीज ये दोस्तों 1986 में बनी गायब आया है। फर्स्ट इंडियन 3D एनिमेटेड फिल्म ये रोड साइड रोमियो 2008 में जो कि बनी है। फर्स्ट इंडियन फिल्म टू बी शॉट अब्रॉड ये संगम है 1964 में, राज कपूर का ये फेमस वर्क है। तो दोस्तों, ये टोटल आपको मैंने प्रश्न और उनके उत्तर दिखाए, जो कि किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा फिल्म एंट्रेंस के एग्जाम में ऐसे सवाल नॉर्मली पूछ ही दिए जाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फिल्म है इंडियन सिनेमा के लिहाज से, तो सिनेमा ऑफ इंडिया की इन इंपॉर्टेंट फिल्म्स को याद रखिए, आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी आपके आने वाले एग्जाम के लिए। आपको शुभकामनाएं। हमारे चैनल को ऐसे ही दोस्तों प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। थैंक यू दोस्तों।